नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही विचित्र होने वाला है, बहुत ही यूनिक होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इसकी डिमांड थी तो आज इस पे वीडियो बन रही है। तो एंड तक वीडियो को देखिएगा, अपने आप में बहुत सी आपकी जिज्ञासाएँ पूरी होंगी, बहुत से आपके मिथ्स क्लियर होंगे। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं इस विषय में है कि क्या दो लोगों की अगर कुंडली सेम होती है तो क्या उनकी लाइफ सेम होती है। तो ऐसा बहुत जगह होता है, हमें लगता है ये कॉमन नहीं है बट एक्चुअली इट इज़ कॉमन। दुनिया में करोड़ों बच्चे पैदा हो रहे हैं और ये चीज़ काफ़ी हद तक हो सकती है कि सेम टाइम पे, सेम सेकंड पे, सेम दिन, सेम वक्त वो बच्चे पैदा हो रहे हों, एक ही हॉस्पिटल में नहीं हो रहे होंगे। सपोज़ एक बच्चा अमेरिका में पैदा हो रहा है, एक इंडिया में पैदा हो रहा है, पर सेम टाइम पे थोड़ा चेंजेस होगा लॉन्गिट्यूड का, एरिया का। अब इंडिया की बात करें, इंडिया में हो सकता है एक ही स्टेट के अंदर कहीं पे दो बच्चे पैदा हो रहे हैं, अलग अलग जगहों पे होते हुए भी एक ही टाइम एक ही सेकंड पे बच्चा निकल रहा है बाहर। तो ये चीज़ काफ़ी कॉमन हो सकती है। कॉमन इसलिए नहीं लगती क्योंकि हम फिज़िकली ऐसा नहीं देख पाते हैं, एक्चुअली जाके पता नहीं कर पाते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा होता है। इन केस ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स वहाँ तो ऐसा होता ही है, इधर एक बच्चा निकला कुछ ही सेकंड्स में दूसरा बच्चा गर्भ से बाहर निकला, तो वहाँ कुंडलियाँ सेम देखने को मिलती हैं। तो जहाँ कुंडलियाँ बिल्कुल सेम होती हैं, क्या उनकी लाइफ भी बिल्कुल सेम होती है? अपने आप में बहुत ही यूनिक बात है। लगता है सेम होती है पर कुछ हद तक सेम होती है, कुछ हद तक सेम नहीं होती। एक हमारे क्लाइंट थे जो अपनी बेटी के लिए रिश्ता देख रहे थे और कितनी अजीब बात थी कि जिस लड़के का उन्होंने रिश्ता देखा उस लड़के की कुंडली एग्जैक्टली सेम निकली उस लड़की की कुंडली से। सेम टाइम ऑफ बर्थ, सेम डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ का डिफरेंस था पर तब भी कुंडली आइडेंटिकल थी। सेम ग्रह, सेम नक्षत्र, सेम राशियां। और उन लोगों को मतलब पेरेंट्स बहुत एक्साइटेड हो गए कि भाई इस कुंडली बिल्कुल सेम है तो इनकी तो आपस में बहुत बनेगी और ये है वो है, पर वो शादी मुकम्मल हो ही नहीं पाई। कहते हैं ना अपोजिट्स अट्रैक्ट, और वो चीज़ होनी चाहिए थी। आइडेंटिकल कुंडली होते हुए, आइडेंटिकल सोच होते हुए, अलग अलग हैं लड़का लड़की, सोच सेम थी, उसको रीडिंग का शौक, उसको रीडिंग का शौक, उसको घूमने का शौक, उसको घूमने का शौक, उसको फ्री रहने का शौक, उसको फ्री रहने का शौक। अब दोनों को आज़ादी पसंद थी, दोनों को ये था कि हमारी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर ना करे, तो सेम थॉट्स, सेम भावनाएं थी, और वही एक रोड़े का कारण बनी जिसने उनकी शादी को टिक नहीं दिया। बहुत वो एक्साइट होकर उन्होंने शादी की, सेम दिन हमारा जन्मदिन मनाया जाएगा। और मज़े की बात, उन्होंने शादी भी अपने जन्मदिन वाले दिन करी दोनों ने, कि उसी दिन शादी करेंगे, तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट उनके लिए हो गई। पर मुश्किल से 6 महीने भी वो शादी नहीं टिकी। शुरुआत से उनके मतलब ये कह लीजिए झगड़े रहने लगे, क्योंकि जो टेम्परामेंट के इश्यूज़ उसको थे वही उसको थे, जो शक की नेचर उसका था वही उसका था। तो यहाँ तो ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई। अगर आप आइडेंटिकल ट्विन्स की भी बात करें तो बिहेवियर अक्सर कॉमन देखने को मिलता है, पर जो किस्मत है वो हर एक की अलग होती है। क्योंकि इस केस में जो मैं बता रहा हूँ लड़का लड़की की, जब वो अलग हो गए तब उस लड़के की शादी दोबारा नहीं हो पाई पर लड़की की शादी हो गई। वो लड़का अपनी लाइफ में आगे कुछ नहीं कर रहा था पर लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो गई। तो दोनों की कुंडलियाँ सेम, सब कुछ सेम, पर डेस्टिनी उनकी बदल गई। इसी तरीके से आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, सेम कुंडली है, लाइफ सेम है, बट किस्मत कई दफ़ा चेंज हो जाती है। एक बंदा किसी प्रोफेशन में, एक बंदा किसी प्रोफेशन में, एक की लाइफ में खुशियाँ हैं, एक की लाइफ में दुख हैं। तो हमारी कुंडली से ऊपर हमारी किस्मत का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है जो हमारी ज़िंदगी को निर्धारित करती है। अब कहते हैं ना एक ही माँ बाप के 4 बच्चे हैं और एक ही घर में पैदा हुए, ब्लड रिलेशन हुआ, सब कुछ साथ रहे, साथ पले बड़े, पर एक खुश है, दूसरा दुखी है, तीसरा मिक्स है, खुश भी दुखी भी, और चौथा बिल्कुल ही गया गुजरा है। तो चारों एक ही घर में पैदा हुए, चारों को एक ही जैसा प्यार मिला, पैसा खर्चा हुआ उन पे, रेज किया गया, एक ही तालीम मिली, एक ही सोच, एक ही अपब्रिंगिंग, एक ही आइडियोलॉजी, एक ही लेगेसी, बट चारों की लाइफ डिफरेंट। तो किस्मत का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, चाहे आपकी कुंडली कितनी ही सेम हो किसी से। बहुत सारे लोग फिल्म स्टार्स से अपनी कुंडली मैच करते हैं कि फिल्म स्टार के राहु यहाँ पे है तो हमारे भी यहाँ पे है, सूर्य वहाँ पे है तो हमारे भी हैं, बट आपकी लाइफ उस फिल्म स्टार जैसी नहीं चमक रही।
इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो मुझसे कुंडली बनवाते हैं उन्होंने कईयों की एग्जैक्टली कुंडली फिल्म स्टारों से मिलती है, और इस तरीके के कम 10-15 जो लोग थे जिन्होंने अपनी कुंडली मुझे भेजी, साथ में फिल्म स्टार की अटैच करके भेजी कि देखिए कुछ भी चेंज नहीं है। अब एक जना फिल्म स्टार है और जिसने अपनी भेजी वो स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में, कुछ कर नहीं पाया, तो डिफरेंस क्यों इतना ज़्यादा? क्योंकि किस्मत भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप रिलाई कर सकते हो कुंडली पर कुंडली को भी, अगर आपको ग्रहों को भी आपने एक्टिवेट करना है तो आपको रेमेडीज़ करनी होंगी। उसके अलावा अपने पर्पज़ के लिए, अपनी फुलफिलमेंट ऑफ गोल्स के लिए हार्ड वर्क भी करना होगा। अगर आप सोचेंगे सिर्फ आपने उपाय कर लिए और अपने आप सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पैसा कमाने के लिए नौकरी पे जाना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए पार्ट टाइम करना पड़ेगा, लॉयल्टी बरतनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अब एक के हमारे क्लाइंट थे, उनके गुरु था 10th हाउस में एंड किसी ने उन्हें पुखराज पहना दिया, वज़न और भी ज़्यादा बढ़ गया। 10th में गुरु होने की वजह से शुरू से वो मोटे थे हमारे जो क्लाइंट थे, और पुखराज पहनने से और भी ज़्यादा बढ़ गया। अगर मैं अपनी आपको पर्सनल बात बताऊं, मैंने पहले पहनना करता था मैं पुखराज, और अब मैंने जो है, और मेरा वेट 40-45 से ये कह लीजिए कि 90 पार कर गया, इनफैक्ट 100 कह लो। एंड मैं जो है मतलब उस चीज़ को कंट्रोल करना ही, ये कह लीजिए आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था वेट को कंट्रोल करना। एंड क्योंकि गुरु आपको नॉलेज देता है, ज्ञान देता है, बट साथ में जो एक चीज़ देता है वेट पुट ऑन करने की, वो बढ़ जाता है। अब अगर आप येलो पुखराज पहन लेते हो तो 10 गुना वेट आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे जिन क्लाइंट की मैं बता रहा हूँ, 10th में गुरु था, शुरुआत से मोटे पैदा हुए थे एंड किसी ने पुखराज पहना दिया, और भी ज़्यादा मोटे हो गए, अनकंट्रोलेबल वेट हो गया। एंड मैंने उनका पुखराज उतरवाया क्योंकि उनको नीड नहीं थी, ओवर विजडम था, ओवर नॉलेज थी। मैंने कहा ये पहले ही बहुत ज़्यादा यहाँ तक हो चुका है, तो वो हटवाया, फिर उनके मंगल को एक्टिवेट करवाया, उनको मुंगा पहनाया। अगेन आप उस चीज़ को मत अप्लाई कर देना, आपकी कुंडली पूरी स्टडी होगी उसी हिसाब से आपको गाइडेंस दी जाएगी, ऐसी किसी और की स्टोरी के हिसाब से अपनी लाइफ पे मत एक्सपेरिमेंट करना। तो उनको मुंगा पहनवाया, उनका मन नहीं करता था जिम जाने का या कोई भी तरीके की वर्जिश करने का। सिंस 20 ईयर्स ही वॉज जस्ट इन्जॉइंग हिज लाइफ सिटिंग ऑन काउच। किताबों की बात करें, नॉलेज की बात करें, उनके प्रोफेशन की बात करें, मतलब बहुत बड़े वो राइटर थे, बहुत उन्होंने नाम कमाए सब वो, और बहुत उन्होंने नॉलेज ली, बट वेट के उन्हें इश्यूज़ बहुत हो गए। पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड बॉडी के निचले भाग में दिक्कत, और पेट बढ़ता 160 किलो उनका वजन पार कर गया था। जब वो हटवाया, बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे उनको इस जोन से निकाला कि बहुत अब तुमने ओवर ज्ञान ले लिया है, अब उसके आगे की नीड नहीं है एंड अब आप उसको कम करो, अपनी बॉडी पे ध्यान दो। जब ओवर बृहस्पति भी एक्टिवेट हो जाता है ना, आप सिर्फ ज्ञान के पीछे पागल हो जाते हो, आप दुनियादारी भूल जाते हो, समाज भूल जाते हो, घर भूल जाते हो, खुद को भूल जाते हो, खुद के शरीर का भी ध्यान नहीं रखते। आप कहोगे कि आपको ये चीज़ आप पे भी अप्लाई होती है कि आप खुद का ध्यान नहीं रखते, बट वहाँ जो ये केस था ये लिमिट से पार था। मतलब वो इंसान बेड से उठ नहीं पाता था, स्टिल उसको ये चिंता नहीं थी कि मैं वेट लॉस करूँ। मंगल उनका एक्टिवेट कराया, मुंगा उनको धारण करवाया, पुखराज उतरवाया, उनके साथ कम से कम 2-3 साल मेहनत करी, रेगुलरली उनके उतारे करवाए, धुनी करवाई घर में, और उनको मोटिवेट हर वक्त किया। हर हफ्ते कंसल्टेशन वो लेते थे सिर्फ मोटिवेट होने के लिए कि मुझे वर्कआउट करने से कोई फ़ायदा होगा भी कि नहीं। मतलब ये उनकी थिंकिंग हो जाती थी कि नहीं, इतने टाइम में तो मैं और बुक्स पढ़ सकता हूँ, वो नेक्स्ट ओशो बनना चाहते थे, मैं और ज्ञान हासिल कर सकता हूँ। तो मैंने कहा जियोगे, जिंदा रहोगे तभी तो हासिल करोगे, इस वेट के साथ तो जल्द ज़्यादा टाइम नहीं जी पाओगे। और उनका वेट लॉस हो गया जब जिम जाने लगे ऑब्वियसली, एंड मुंगे के कारण धीरे धीरे मंगल एक्टिवेट हुआ एंड उनके अंदर खुद ये करेज पैदा हुआ कि वो एक्सरसाइज करें। आज भी वो हमारे क्लाइंट हैं एंड अभी सुन रहे होंगे वीडियो को, मुझसे बड़े उम्र में, तो आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। पर ये है कि बड़ी
मुश्किल से उनको लाइन पे लाया गया। तो और इसी तरीके से कोई दूसरा एक क्लाइंटर बताता हूँ, उसके भी गुरु टेंथ में था एंड ही वॉज फिट एंड फाइन, उनको कोई वेट का इशू नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी। वो शुरू से ही वर्कआउट करते थे, शुरू से ही उनका रुझान एक बैलेंस्ड था। उन्होंने पुखराज नहीं पहना हुआ था एंड उन्होंने हमें कंसल्ट किया कि शुड आई वेयर पुखराज इनकम के लिए। मैंने कहा ऑलरेडी आप की लाइफ सब अच्छी चल रही है, आपको उसकी नीड नहीं है, आपने पहनना है फिर भी। तो हमने उन्हें फिर वाइट पुखराज पहनवाया एंड क्योंकि ये शुक्र और गुरु दोनों के लिए होता है, उससे उनका वेट ताकि पुट ऑन ना हो और उनको बेनिफिट भी मिल जाए। एंड उनकी लाइफ में कोई वेट का इशू नहीं था, क्योंकि ये भी कह सकते हैं उन्होंने पुखराज नहीं पहना, ये भी कारण है। एक क्लाइंट और थे जिन्होंने पुखराज पहना था एंड वो अंडर वेट थे शुरू से, तो उनको वेट का इम्पैक्ट इतना नहीं हुआ, वेट उनका बढ़ा भी तो ज़्यादा नहीं बढ़ा, अगेन बॉडी टू बॉडी पर डिफर करता है। तो टेंथ में गुरु का मतलब ये नहीं है कि सबकी लाइफ सेम होगी। अब जो मैं दूसरा क्लाइंट बता रहा हूँ, उसको ज्ञान नॉलेज बुक्स की इतनी लेने की वो नहीं थी, ओनली ही वॉज इंक्लाइंड टूवर्ड्स हिज वर्क। जो तीसरा क्लाइंट बता रहा हूँ, उनको ज्ञान और नॉलेज इस चीज़ की ना वर्क की लेनी थी ना बुक्स की लेनी थी, ही वॉज मोर लाइक जैक ऑफ ऑल कि भाई सब चीज़ें प्रैक्टिकली सीखनी है मुझे। तो जो गुरु टेंथ में होता है ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो भूख पैदा कर देता है कि आपको नॉलेज लेनी है, भले ही उस नॉलेज से आपको इनकम जनरेट हो या ना हो। टेंथ में गुरु का मतलब ये नहीं कि इनकम सोर्स खुल जाएंगे। अगेन ये वीडियो गुरु टेंथ हाउस पे नहीं है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तीनों केसेस में गुरु टेंथ में होते हुए भी तीनों की लाइफ डिफरेंट थी। तो कुंडलियाँ आपकी आइडेंटिकल होते हुए भी आपकी लाइफ डिफरेंट हो सकती है। किस्मत का बहुत बड़ा रोल है, आपकी पास्ट लाइफ के कर्मा का बहुत बड़ा रोल है, आपकी इस लाइफ के कर्मा का बहुत बड़ा रोल है, आपके फैमिली के कर्मा का बहुत बड़ा रोल है, कहाँ पैदा हुए इसका बहुत बड़ा रोल है, क्या आपके जीवन में नेगेटिविटी है या नहीं इसका बहुत बड़ा रोल है। तो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी, उन पर भी हमारी लाइफ डिपेंड करती है। तो जब आप अपनी कुंडली बनवाते हैं, आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप रेमेडी हम बताते हैं आप करते हैं, एकदम से आराम आ जाता है। जो नहीं कर रहा उसको आराम नहीं आता, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो रेमेडी करते हैं तो भी आराम नहीं आता। क्यों? हर एक की किस्मत भी है, बाकी चीज़ें भी हैं। अब एक हमारे क्लाइंट थे, वो रेमेडी करना चाहते हैं, घर वाले नहीं करने देते। अब रेमेडी नहीं करोगे तो फिर आराम आएगा कैसे? एक है जिन्होंने इतनी रिलीजियसली रेमेडीज करी, कुंडली जब बनवाई हमसे, कि विद इन 2-3 मंथ्स उनकी लाइफ चेंज हो गई। एक है जो कभी करते हैं कभी नहीं करी, सीरियसली उसको कभी लिया ही नहीं। तो अगेन जैसा आपका माइंडसेट होगा, जैसा आपकी फैमिली का माइंडसेट होगा, वैसे ही आपकी लाइफ भी प्रेफर होगी, आगे निर्धारित होगी। क्योंकि हमारे पास्ट लाइफ के कर्मा के साथ साथ हमारे इस लाइफ का जो कार्मिक अकाउंट है वो भी साथ चल रहा है, जो हम कर्म डेली लाइफ में कर रहे हैं। तो कुंडली सेम होते हुए भी आउटकम लाइफ का डिफरेंट हो सकता है आपकी चॉइसेस के हिसाब से। तो चाहे आइडेंटिकल ट्विन्स हों, कुंडली सेम होते हुए भी लाइफ डिफरेंट हो सकती है। एक बच्चा यहाँ पैदा हो रहा है अमेरिका में, एक इंडिया में, एक किसी लंदन में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, या इंडिया में, या अलग अलग स्टेट्स में हो रहे हैं, सेम टाइम सेम नक्षत्र सेम राशि सब कुछ सेम, पर लाइफ डिफरेंट हो सकती है। हाँ, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, 70% आप कह लीजिए सिमिलैरिटीज़ होती हैं, पर जो 30% का वेरिएशन रहता है ये आपकी फैमिली लाइफ इन सारी चीज़ों के कारण बदल जाता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी आपको, और कुंडली के विषय में आपको और भी जानकारी चाहिए तो मैं इसीलिए आपके लिए और भी वीडियोस बनाता रहूँगा। जो भी आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, आप दिवाली से पहले अपने डिटेल्स हमें दे दीजिए ताकि दिवाली से पहले आपको आपकी कुंडली मिल जाए या दिवाली तक मिल जाए। दिवाली के अराउंड दोगे तो थोड़ा सा बिजीनेस ज़्यादा रहेगी। एंड बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि दिवाली पे आप क्या गिफ्ट ला रहे हो, वो भी मैं आपको कल या परसों सरप्राइज़ खोलूँगा आपके लिए कि दिवाली के लिए आपके लिए एक बहुत सुंदर गिफ्ट आने वाला है जो हर कोई इंसान ले पाएगा एंड उसके बेनिफिट्स भी मिलेंगे एंड अगेन अभिमंत्रित मिलेगा, शक्ति के साथ मिलेगा। तो वो भी गिफ्ट आपके लिए जल्दी दिवाली का आपको दिवाली से पहले ही अनाउंस हो जाएगा।
ताकि आप मंगा सकें और उसका लाभ उठा सकें। कुंडली बनवाने के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 8130331007 पे, और दिवाली तक और दिवाली के बाद भी ही लक्ष्मी प्राप्ति धुनी जलाते रहें हमारी, ताकि आपको धन का आगमन हो। नेगेटिविटी के से परेशान हैं तो दिवाली तक और दिवाली के बाद भी हमारे नारियल से उतारा करते रहें, आपको बहुत लाभ होगा। और घर की शुद्धि के लिए सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा धुनी का इस्तेमाल करें, नेगेटिविटी को दूर भगाएं। बहुत से लोगों का सवाल था कि वास्तु दोष के लिए हम कौन सी धुनी लें। ऑलरेडी हम रेगुलर धुनी उसके लिए देते हैं जो इजीली अफोर्डेबल है हर एक इंसान के लिए। जिसके घर में भी वास्तु दोष है, हमारी रेगुलर धुनी स्टार्टिंग की धुनी आती है, ये वास्तु दोष पूरी तरीके से हटा देती है। तो रेगुलर धुनी आप रेगुलरली घर में जलाइए, वो सिर्फ वास्तु दोष को टारगेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ ईस्ट में आपका टॉयलेट है, आपको लग रहा है ये आपको इफेक्ट कर रहा है नेगेटिवली, आप वहाँ पे टॉयलेट में थोड़ी देर धुनी जला के छोड़ दीजिए, टॉयलेट को बंद कर दीजिए, एग्जॉस्ट फैन चला दीजिए, अपने आप वहाँ के दोष रिमूव हो जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में किचन है, टॉयलेट है, वहाँ आप रेगुलरली हमारी धुनी जलाइए। साउथ वेस्ट में कोई डिस्टर्बेंसेज हैं, स्टोर रूम में है, पूरी धुनी हमारे पूरे घर में अपने घर में घुमा के घर के ओपन एरिया में बाहर रख दीजिए, और ये प्रार्थना कीजिए कि इस घर का सारा वास्तु दोष दूर हो जाए, वास्तु इस घर का ठीक हो जाए। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि वास्तु दोष से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।